हेलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं तिल के लड्डू। तो मेरे पास दोनों तरह के तिल हैं, काले भी हैं सफ़ेद भी। जाड़े शुरू होते हैं तो मैं दोनों तरह के तिल मंगा कर रख लेती हूँ, ठंड में बार बार मुझे किसी से मंगाना ना पड़े। तो आज मैं बनाऊँगी सफ़ेद तिल के लड्डू। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। डेढ़ कप ये सफ़ेद तिल ले लिए हैं, जो कि ये वेट में 250 ग्राम लिए हैं। थोड़े से मैंने ये फ्राई किए हुए मखाने ले लिए हैं। मखाने से क्या होता है कि इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और मखाने भी हमारी इससे भी काफ़ी मतलब बीपी कंट्रोल रहता है और इससे भी कैल्शियम की कमी दूर होती है। तो ये भी हेल्थ के लिए हमारे अच्छे हैं। तो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो काफ़ी हमारे लड्डू हेल्दी बनेंगे। इसको मैं थोड़ा सा दरदरा सा पीस लूँगी। इस तरह से मैंने इसको पीस के रख लिया है। पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, अब मैं इसमें सारे तिल डाले दे रही हूँ अपने। तिल को इतना भूनते हैं, हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे, लो फ्लेम पर भूनेंगे, क्योंकि तिल जो होते हैं ना बहुत जल्दी जल जाते हैं। और थोड़ा सा भी अगर ये जल जाएंगे तो इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो फिर इनको रेगुलर चलाते रहना चाहिए। जब आप इसको भूनें, हाई एंड लो फ्लेम देख के अपने हिसाब से कर लें, जिस हिसाब से वो बस इस तरह से भूनें कि आपके जो तिल है आपके जले ना, बस खुशबू आने तक इसको भून लेना है। सर्दियों के मौसम में दोस्तों तिल के लड्डू अच्छे भी बहुत लगते हैं और ये काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। इसमें काफ़ी कैल्शियम होता है और ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छे होते हैं, बीपी भी कंट्रोल रखते हैं। अगर बॉडी में कहीं सूजन है, स्वेलिंग आ गई है, तो आप इन तिल का, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी फ़ायदा करेंगे। सर्दियों के मौसम में ख़ासकर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनकी तासीर जो होती है तिल की, सफ़ेद तिल की गर्म होती है। तो आप इसका तिल का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में हर तरह से कर सकती हैं, जो चीज़ आपको इसकी पसंद है। तो ज़्यादातर लोग सर्दियों के मौसम में ना इसके लड्डू बनाकर खाना पसंद करते हैं। तो लड्डू मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी बनाना। डेढ़ कप तिल मैंने लिया था, जो कि वेट में ये 250 ग्राम तिल है। तो तिल ये हमारे ब्राउन कलर में आ गए, थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो गया है और खुशबू भी भुनने की आने लगी है। जब तिल थोड़ा भुन जाते हैं तो ये फूले फूले से हो जाते हैं। और इन तिल को ना कंटिन्यू चलाते हुए भूनें, क्योंकि अगर आप कहीं भी छोड़ देंगे तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा। तो एक ऐसे चलाने से क्या होता है कि सबका कलर एक जैसा रहता है। तो बस अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ, उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं तिल को। थोड़ा कढ़ाई गर्मी से ये और इनका कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ही अच्छी भुनने की खुशबू आ रही है। बस तब तक भूनते रहें जब तक इसमें खुशबू अच्छे से आने लगे, तब तक इनको आप भूनते रहिए। दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, जिस कढ़ाई में मैंने तिल को भूना था उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है। तिल के लड्डू जो होते हैं कि वो घर में अच्छे बन नहीं पाते हैं, हार्ड बनते हैं। तो थोड़ा सा अगर इनको आप सॉफ्ट बनाना चाहती हैं तो जो गुड़ की आप चाशनी बनाएँ, तो आप थोड़ा सा इसमें अगर देसी घी डाल देंगी तो आपके जो लड्डू हैं वो सॉफ्ट बने रहेंगे। तो जितना मैंने तिल लिया था बिल्कुल उतना ही मैंने गुड़ ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने अभी जो मखाने लिए थे ना उसके हिस्से का भी थोड़ा सा गुड़ बढ़ा लिया है। तो जब मैंने तिल लिए थे, पहले लिए थे भुनने से पहले, तब वो थोड़े से दबे दबे से थे, कम लग रहे थे, लेकिन जब तिल भुन जाता है तो थोड़ा सा फूल जाता है, तो ये बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसको देसी घी में मेल्ट होने देते हैं। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, बस गुड़ को थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मैंने 2 टीस्पून इसमें पानी डाल दिया है। इससे क्या होता है कि गुड़ अच्छे से पक जाता है, इसकी चाशनी अच्छे से बन जाती है। और बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करेंगे। अब गैस को बंद के दे रहे हैं बस। तो अब मैं तिल को साथ में डाले दे रही हूँ, गरम गरम तिल को डालूँगी, ठंडा हो जाएगा तो ये फिर ख़राब हो जाएगा। और जो मैंने मखाने बनाए थे पीसा था पाउडर, मैं साथ में वो भी डाले दे रही हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसको ठंडा होने से पहले ही इनके लड्डू बना लेंगे। अगर आप इनको ठंडा देर जल्दी जल्दी से लड्डू बना लिएगा, और ये लड्डू गरम गरम ही बनाए जाते हैं, अगर ज़रा से ठंडे हो जाएंगे तब ये लड्डू आपके अच्छे से नहीं बन पाएंगे।
तो आपका हाथ ना जले तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट लड्डू बनाना ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि चाशनी बहुत गर्म होती है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इनको इस तरह से लेकर मैं प्लेट में जल्दी जल्दी से रख लूँगी। इस तरह लड्डू बनाना बहुत ही इजी रहेगा और डायरेक्ट अभी छूना इतना मुश्किल है, ये बहुत जल रहे हैं। या तो आप इसको बनाइए तो दो लोग के साथ बनाइए तो जल्दी बनेंगे, और आप अकेले अगर बना रही हैं तो आप इतनी जल्दी गरम गरम बना नहीं पाएंगी, आपका हाथ जल जाएगा। तो आप पहले स्पून से अलग अलग इस तरह से लड्डुओं को बना लीजिए, रख लीजिए, फिर जल्दी जल्दी से इनका शेप दे लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है जो कि मैं हाथ में लगा कर इसको सेट करूँगी, क्योंकि इतने जल रहे हैं ये, इस तरह से आप इनको सेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितने आसानी से गरम गरम ये हैं, और ये गरम गरम इस तरह से बने जा रहे हैं। साइज आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। हाथ में बीच बीच में पानी लगाते रहें क्योंकि इसकी चाशनी से आपका हाथ जल सकता है। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ लड्डू बनाना, बिल्कुल कैमरा में वीडियो काट नहीं रही हूँ, इसमें आप ठीक से देख लीजिए कितने आसानी से ये लड्डू बन रहे हैं। और अगर आप एक लड्डू को उठाएंगे तो उस तरह से जल्दी से आपके लड्डू बन नहीं पाएंगे। बस आप जल्दी जल्दी से, अगर अकेली हैं घर में आपके साथ कोई नहीं है तो आप फटाफट से अकेले बना लीजिए, कोई लड्डू का शेप छोटा बड़ा हो जाए तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना करें। खाना तो आप ही को है घर में, और अगर मेहमानों लिए खिलाना है तो फिर आप उसके जो अच्छे लड्डू बने हों वो मेहमानों को खिला दीजिएगा, उनका शेप अच्छा है। थोड़े मैंने इस तरफ रख लिए थे। इस तरह बनाना बहुत इजी रहता है लड्डू। तो मैं आपको एक बार कैमरा के सामने फिर से दिखा दे रही हूँ कि जो लड्डू में हमारी शेप ख़राब हो गया था मैं उनको फिर से ठीक के ले रही हूँ, क्योंकि लड्डू इतने जल रहे हैं, अभी भी ठंडे नहीं हुए हैं। इस तरह से मैंने इतनी स्पीड में काम किया कि लड्डू अभी भी जल रहे हैं काफ़ी, तो इसीलिए ये देखिए उनको जो ख़राब शेप था इनको अच्छे से शेप दे रहे हैं। तो इस तरह से आप लड्डू जब भी बनाएंगी तो इसी तरह से लड्डू बनाइएगा, तो इस तरह बनाने में बहुत इजी रहेगा आपको, बिल्कुल भी आपका हाथ नहीं जलेगा। मेरा हाथ नहीं जल रहा और ये गरम गरम लड्डू हैं, क्योंकि उसको अगर आप उठा के हाथ से डायरेक्ट निकालेंगी तो आपका हाथ जल जाएगा और इतनी स्पीड में आपके लड्डू बन भी नहीं पाएंगे। जब तक आप आधे लड्डू बनाएंगी तब तक आपका आधा जो तिल है वो जम जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। फिर आप सोच सकती हैं कि उनकी क्या शक्ल होगी। थोड़ा सा पानी लगा लगा के बस इस तरह से हाथों को पानी लगाती है ताकि आपका हाथ जलेगा। ये देखिए मेरा हाथ जो है लाल हो रहा है। आप इनको आराम से शेप दे सकती हैं, इतने गर्म लड्डू हैं ये कि बिल्कुल आराम से शेप दिया जा सकता है। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने हैं, उनका साइज भी कितना परफेक्ट है, क्योंकि जल्दी है ही नहीं बनाने की क्योंकि लड्डू हमारे ठंडे हुए ही नहीं अभी तक। और ये इतने सॉफ्ट लड्डू बने हैं कि आप इनको जब भी रख के खाएँगी बस थोड़े से ठंडा होने पर टाइट होंगे और बहुत ज़्यादा ये हार्ड लड्डू नहीं बनेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इधर मैंने साइड में किया तो थोड़ा सा हार्ड होने लगा है, लेकिन अभी भी इनमें गर्मी है। तो मैंने डायरेक्ट आपको दिखा दिया, बिल्कुल सीधा टेलीकास्ट किया है वीडियो का, कि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस मकर संक्रांति आप इस तरह के से आसान तरीके से लड्डू बनाइए, क्योंकि मकर संक्रांति में ही लड्डू का खाने का मज़ा आता है। सर्दी भी होती है और ये गर्म लड्डू होते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति में सर्दी के मौसम में लड्डू खाए जाते हैं। तो दोस्तों देख सकती हैं ये लड्डू मेरे कितने परफेक्ट बने हैं। अब एक थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया है, अभी ये गर्म है, थोड़ा और इन्हें ठंडा होने देते हैं। इसको प्लेट में रख कर दिखाते हैं। तो मैं यही लड्डू उठा उठा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने अच्छे बन गए लड्डू, अब ठंडे थोड़े हो रहे हैं ये। ये देखिए तो अब ये बिल्कुल अच्छे से लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए।
तो मैं आपको एक लड्डू तोड़ कर दिखाती हूँ दोस्तों। अभी ये थोड़ा गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सॉफ्ट लड्डू बना है और बहुत टेस्टी बना है।